So this is done. Tomorrow it is in progress. सो शैलेश, सबसे पहले ना जो अपना फार्मर यूथ एंटरप्रेनर जो भी है, तो बहुत ज्यादा जो डिस्कशन है ना, वो श्रिम्प एक ब्रॉड टर्म को लेके बोला गया है कि श्रिम्प है अपना और एक प्रॉन है आपका, ठीक है, लॉबस्टर है वो भी इसी कैटेगरी का है, पर उसका कल्चर अभी बहुत कम है अपने इधर वाले रीजन में जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जो उसका हैबिटेट है, जो उसके रहने का आवास स्थल है, उस पर वो डिपेंड करता है कि वो स्पेशीज कहाँ जाएगी। जनरली फार्मर क्या करता है कि उसको श्रिम्प फार्मिंग करनी है, पर उसके पास पानी का सोर्स जो है वो मीठा पानी है, यानी कि फ्रेश वाटर है। तो अगर उसके पास फ्रेश वाटर है और अगर उसका मार्केट आसपास में सही है, तो वो प्रॉन फार्मिंग पे भी जा सकता है। प्रॉन फार्मिंग जो है वो मीठे पानी का झींगा है आपका, जो श्रिम्प है वो आपका खारे पानी का झींगा है। झींगा एक हिंदी वर्ड कॉमन है, पर अगर आप ग्लोबली देखें तो प्रॉन फार्मिंग सेपरेट एंटिटी है और श्रिम्प फार्मिंग सेपरेट एंटिटी है। इसमें कोई डाउट नहीं? ठीक है। तो अगर ग्लोबली देखें हम, तो प्रॉन फार्मिंग काफी ज्यादा पॉपुलर है और धीरे धीरे अब हमारे इधर जो एशिया पैसिफिक का रीजन है, यहाँ पर भी धीरे धीरे वो ग्रोथ ले रहा है। पर क्या है कि एकदम सोफिस्टिकेटेड एनिमल है आपका, तो बहुत सारी चीजें उसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। नॉर्मल फार्मर क्या करता है, उसने अपना प्रॉन सीड लिया और उसको सीधे पॉन्ड में डाल दिया, पर पॉन्ड में इतने सारे और भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं कि उसका सर्वाइवल बहुत कम हो जाता है। तो वो उसको सारा बायो सिक्योरिटी मेंटेन करना पड़ेगा सो दैट वो वहां पर उसको मेंटेन कर पाए। अदरवाइज जितना भी वहां पे जो भी पानी के एनिमल्स हैं, सब उसके प्रेडेटर हैं, सब उसको खा जाएंगे और बाद में बहुत कम मिलेगा। जनरली अभी जो फार्मर उसको ट्राई कर रहे हैं, कार्प कल्चर के साथ में ट्राई कर रहे हैं और अच्छा प्रॉफिट वहां से ले रहे हैं। तो अगर ग्लोबली देखें तो एक्सेप्टेंस है आपका प्रॉन फार्मिंग का, और जो वो मेंबर है वो मीठे पानी का है। जिसकी बात हम कर रहे हैं वो श्रिम्प फार्मिंग है, जो आपका जिसका प्राइमरी इंपॉर्टेंस है कि उसको सलाइन वाटर, ब्रैकिश वाटर चाहिए, और इसका जो डेज है कल्चर ड्यूरेशन भी कम है। प्रॉन का 6 महीने मानो, इसका आप 3 से 4 महीने मानो। ये सबसे छोटा कल्चर है आपके पूरे एक्वा कल्चर में। तो कल हमने जो रिव्यू किया था, टेम्परेचर जो है हमारा 28 डिग्री के आसपास होना चाहिए। सॉरी, तो ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, हाँ, ये कौन सा वनामी है या ये मोनोटोन? ये हम वनामी के लिए कर रहे हैं। ओके, ठीक है ना, स्लाइटली थोड़ा सा स्टॉकिंग रेट अच्छा, पर डिफरेंस है। प्रॉन्स की बात कर रहे हैं, वो दूसरा क्या नाम है उसका, स्कैम्पी है ना, स्कैम्पी की बात कर रहे हो फिर? वो स्कैम्पी है आपका, एम रोजनबर्गी। हाँ, ओके, तो आपने बोला मुझे श्रेम करना है, वनामी है, मोनोडोन नहीं अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, वनामी का कर रहे हैं ना। देखो, श्रेम में अगर आप दो कैटेगरी है आपकी, वनामी और आपका पीमोंडो टाइगर प्रॉन, लगभग दोनों एक ही हैं, बस स्टॉकिंग पे थोड़ा फर्क है। ओके, पैरामीटर सब कुछ वही है। हाँ, मैनेजमेंट सब कुछ वही है, फीडिंग पे थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो मैं फीडिंग वाले पार्ट में कवर करूंगा, पर पैरामीटर अच्छा, अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 100% वही है। अच्छा, दूसरी बात, मुझे मेरे जो समझ में है कि वो मोनोडोन को मिट्टी चाहिए कभी कभी अंदर जाने के लिए, वो सही है क्या? देखो, वो नेचर है आपके हाँ, तो वो नेचर है एक्वाटिक एनिमल्स का, उसके लिए आप हाइडिंग प्लेस उसको दे सकते हो, पीवीसी पाइप दे सकते हो, बेम्बू पाइप दे सकते हो, जहां पर वो अपने आप को सेफ फील करे। अच्छा, बायोफ्लॉक में ना? बायोफ्लॉक में। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि बायोफ्लॉक में नहीं होगा इसी रीजन से, पर अगर कहीं हाइडिंग हो सकता। देखो, आपका जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो सब जगह होगा,
बस आपको उसका हैबिट और हैबिटेट को समझना पड़ेगा। जहां पर भी वो आर्टिफिशियल क्रिएट कर दोगे वो वहां पर रहेगा। छोटे छोटे एक्वेरियम में पाल रहे हैं लोग तो। अच्छा अच्छा ठीक है। पर वो एक ही इफर्ट हमें देना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग यू कैन टेक द राइट डिसीजन। अच्छा, देन वो पाइप वगैरह यूज करके मोनोडॉन हो सकता है ना? पीवीसी पाइप ले सकते हो, बैम्बो के पीसेस ले सकते हो, उनको हाइडिंग प्लेस दे सकते हो, क्योंकि और जब वो हम कवर करेंगे ना इसमें, वो सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। ओके थैंक यू। तो अब जो हमने कल डिस्कशन किया था वो पैरामीटर के लिए किया था, जस्ट उसको रिव्यू करते हैं और फिर आज हम स्टॉकिंग, फीडिंग, वो सब कुछ देखेंगे कि कितने टाइम में जाता है। अमोनिया साइकिल को हम डिस्कस करेंगे, बायोफ्लॉक के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे बिफोर स्टार्टिंग योर फार्म। क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेने हैं, ये नहीं कि पहले हमने टैंक बना के रख दिया और बाद में प्लानिंग करेंगे। फर्स्ट यू विल प्लान, यू विल डू योर प्रॉपर होमवर्क ऑन पेपर वर्क टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, देन यू विल स्टार्ट योर कल्चर। तो आज यही हम तीनों चारों चीजें डिस्कस करेंगे और काफी कुछ आपके आज जो थियोरटिकल है आप क्लियर हो जाएंगे उस चीज में। तो टेम्परेचर है, आइडियल रेंज जो है 28 है, कल हमने जो डिस्कस किया था 22 से 32 का, उसके बीच में ये लो टेम्परेचर अगर जाता है तो ऐसा नहीं कि एकदम मर जाएगा, पर उसका ग्रोथ स्लो हो जाएगा। हायर जाएगा तो ऐसा नहीं कि वो मर जाएगा, पर स्ट्रेस आएगा, और जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो ये सीधे उसके ग्रोथ पे और सर्वाइवल पे फर्क डालेगा। सैलिनिटी जो है 7+ से ऊपर चलेगा आपका, 4 से 35 पीपीटी में भी वो आपका सर्वाइव करता है, और जितनी सैलिनिटी आपका बफर करेगा उतना आपका वाटर क्वालिटी पैरामीटर को भी वो होल्ड करके रखेगा। ऑक्सीजन जो है अगर आप पॉन्ड में बोलें तो 4 ppm होना चाहिए, अगर आप बायोफ्लॉक और रेस की बात करें तो 6+ होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सुबह दे दिया शाम को नहीं दे दिया, रेस और बायोफ्लॉक में 24/7 वो चलेगा। एल्कलिनिटी जो है, एल्कलिनिटी का अलग अलग रोल है। एल्कलिनिटी आपके बेसिकली पीएच की बफरिंग को कंट्रोल करने का काम करती है। कभी भी स्विंग नहीं होना चाहिए, हमेशा मॉडरेट रहना चाहिए, 7, 7.5, 8, 8.2, 8, 8.5, ये नहीं कि बहुत ज्यादा स्विंग आ रहे हैं। तो एल्कलिनिटी आपका शुरू में 80 ppm से लेके 220, 280, 320, तो एक आइडियल रेंज की बात करें तो 160 mg/L तक आपका सफिशियंट है। पीएच का बात करें तो 7.5 एक आइडियल रेंज है, अगर आप फ्रेश वाटर में कर रहे हैं। अगर आप ब्रैकिश और सलाइन वाटर में करेंगे तो 8, 8.2 के आसपास वो रेंज चला जाएगा। अनआयनाइज्ड अमोनिया 0.03, कल जो हम बात कर रहे थे वो टोटल 10 की बात कर रहे थे, ये 0.50 और 1 से हमेशा नीचे होना चाहिए। पर अनआयनाइज्ड अमोनिया NH3 की बात करें तो 0.03, और अमोनिया सीधे सीधे जो डिपेंडेंट करता है वो पीएच पर डिपेंड करता है, एल्कलिनिटी पे डिपेंड करता है, सैलिनिटी पे और टेम्परेचर पे। अगर आप इन सब पैरामीटर को कंट्रोल करेंगे तो अमोनिया का प्रॉब्लम आपके कल्चर में नहीं आएगा। नाइट्राइड जो है आपका 5 to 25 mg/L, पर इसको अगर आप करेक्ट करें तो 0 से इतना आपके बायोफ्लॉक के, जब आप नाइट्रिफिकेशन साइकिल कंप्लीट कर लेंगे तो वो इतना डाउन आ जाएगा। नाइट्रेट का एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर सीधे सीधे वो उसका स्ट्रेस को बढ़ाता है, क्योंकि उसमें जितना भी आपकी टोटल सस्पेंडेड सॉलिड है कि जो उसको डिसॉल्व नहीं कर पा रहे एट द एंड प्रोडक्ट ऑफ योर नाइट्रिफिकेशन साइकिल, तो हमेशा लेस देन 150 mg/L होना चाहिए, पर कोशिश करो कि 20, 40, 80 से ऊपर वो ना जाए। बहुत ज्यादा स्टडी आपको नहीं मिलेगी पूरे YouTube पर, Google पर कोशिश करो आप 20, 40, 80 से नीचे नीचे ही रखो। और फिर भी अगर बढ़ रहा है तो सबसे सेफेस्ट मेथड जो अब भी आपके पास है वो वाटर चेंज का है, 10%, 15%, 20%, 25%, वीकली और बाई वीकली, क्योंकि कुछ ऐसा इफेक्ट उसका दिखाई नहीं देगा, पर हायर लेवल इंक्रीज स्ट्रेस एंड रिजल्ट इन पुअर ग्रोथ।
मरेगा नहीं आपका झींगा, पर उसकी ग्रोथ पर फर्क आएगा. टोटल सस्पेंडेड सॉलिड 400 टू 500 मिलीग्राम पर लीटर. टू लिटिल कॉज पुअर प्रोडक्शन, टू मच कॉज गिल इरिगेशन. तो उसको भी आपको कंट्रोल करके रखना है कि जो आपकी हार्डनेस है पानी की, क्योंकि आपका फ्रेश वाटर है, तो फ्रेश वाटर की अगर हम हार्डनेस देखें तो 400-500 एक आइडल रेंज है. ज्यादा बढ़ के जाएगा तो उसको मिनरल बैलेंस जो है वो करने में प्रॉब्लम आता है. अगर हार्ड वाटर होता तो 1000 से भी ऊपर की ये वैल्यू जाएगी. सॉरी, ये जो TSS है, हाँ, इसका मेजरमेंट हम फ्लॉक इमोफ कौन से करते हैं, राइट? IMOF कौन से जो करते हैं आप, वो सस्पेंडेड सॉलिड का करते हैं. ये टोटल सस्पेंडेड TSS जो है, हाँ, ये डिफरेंट है आपका. आप इसको हार्डनेस से कंपेयर कर सकते हैं कि पानी का हार्डनेस आपका कितना है. हार्डनेस किसी भी वजह से हो सकता है, कैल्शियम कंटेंट की वजह से हो सकता है, मैग्नीशियम कंटेंट की वजह से हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है उसकी वजह से हो सकता है. आपने बहुत हायर डेंसिटी में स्टॉकिंग किया तो जितना भी पूप वो कर रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है. जितना हाई अमोनिया हाई प्रोटीन फीड आप दे रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है. तो अगर आप फ्रेश वाटर में कर रहे हैं तो ये एक आइडियल रेंज है आपका. तो ये हार्डनेस का मेजर है, ये हार्डनेस का मेजर है जिसे आप अपना PDS मीटर से देख सकते हैं. बोलो, कहीं डाउट है तो आई विल क्लियर आउट. यहाँ पे तीन चीजें कंफ्यूज हो रही है. सी, TDS इज टोटल डिसॉल्वड सॉलिड, राइट? टोटल डिसॉल्वड सॉलिड इज सॉलिड्स लेस व्हिच कैन पास थ्रू माइक्रोन ऑफ 0.1 माइक्रोन्स, फिल्टर ऑफ 0.2 माइक्रोन. Right. अभी ये हो गया टोटल सस्पेंडेड सॉलिड. हार्डनेस जो है कैल्शियम मैग्नीशियम वो माइक्रो डिसॉल्व नहीं होती. राइट, सो देयर इज हार्डनेस कांसेप्ट ऑफ हार्डनेस हियर, देयर इज TDS कांसेप्ट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, क्योंकि TDS जो है वो सस्पेंड नहीं होगी, डिसॉल्व होगी. Correct. तो ये पूरा कंफ्यूज है. हाँ, मैं इसको क्लियर कौन सा क्या है, प्लीज क्लियर. जब आप शुरू में अपने पानी पर फोकस करेंगे तो आपके पास नॉर्मली क्या है, आपके पास एक TDS मीटर है जो आपकी पानी की हार्डनेस को बता देगा. पानी की हार्डनेस किस रीजन से वो नहीं बताएगा आपको, सिर्फ आपको इनिशियल वैल्यू दे देगा. उसके बाद जो है पानी की हार्डनेस जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास और भी मिनरल कंपोजिशन के लिए, जैसे आपको कैल्शियम करना है तो कैल्शियम के लिए आ जाएगा, आपको सोडियम करना है सोडियम के लिए आ जाएगा, पोटेशियम करना है पोटेशियम के लिए आ जाएगा, मैग्नीशियम करना है मैग्नीशियम के लिए आ जाएगा, एल्कलिनिटी देखनी है उसमें आपका आ जाएगा, कार्बोनेट देखना है उसके लिए आपका आ जाएगा, बाइकार्बोनेट देखना है. तो इतनी सब चीजें जो उसके अंदर पानी के अंदर घुली हुई हैं वो आपका टोटल सस्पेंडेड सॉलिड उसको बनाता है कि कौन कौन से सॉल्वेंट है जो आपके पानी के अंदर घुले हुए हैं, जिसकी वजह से पानी की हार्डनेस बढ़ रहा है. पानी की हार्डनेस जनरल हम कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से देख लेते हैं, पर बहुत सारे n नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं उसके साथ में जो पानी की हार्डनेस को बढ़ाने का काम करते हैं. तो आपकी जो रेंज हमने ली है वो इसलिए ली है क्योंकि आपका भी फ्रेश वाटर है. अगर हम इसको हार्ड वाटर में जाएंगे तो वैल्यूज और चेंज हो जाएगी. मैं एक रिपोर्ट से आपको समझाने का कोशिश करूंगा इसको, तो शायद अभी थोड़ा क्लियर हुआ होगा. नहीं, ये अभी क्लियर नहीं है, अगर रिपोर्ट देखूंगा तो शायद समझ में आएगा. पर इसका मेजरमेंट कैसे करना है, TDS मीटर से करना है इसका? आप इनिशियल में TDS मीटर से देखेंगे, जब हम मिनरल कंपोजिशन में जाएंगे तो मिनरल्स किट की आती है उनसे आप मेजर करेंगे इसको. अच्छा, तो इसका लैब रिपोर्ट वगैरह, क्योंकि इसके सारे हो गए, अदरवाइज इसके सारे टेस्ट किट्स लेने पड़ेंगे ना, जैसे सब आपको लेना पड़ेगा. अगर आप श्रिम्प कर रहे हैं, प्रॉन कर रहे हैं, क्रैब कर रहे हैं, लॉबस्टर कर रहे हैं, तो एक मिनी लैब आपके पास होना चाहिए. अच्छा, ये सारे टेस्ट किट्स होंगे फिर? ये सारे टेस्ट किट आपके पास होने चाहिए. मैं लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, वहां से आप रिव्यू करके ऑर्डर कर सकते हैं. और एक एक जो पैरामीटर है, एक एक जो
क्या बोलते कंपाउंड है उसके उसके पैरामीटर्स होंगे ना कि मैग्नीशियम ये फास्फोरस कितना होना चाहिए, पोटेशियम कितना, वो सब होंगे ना करेक्ट लिस्ट। करेक्ट करेक्ट, वो सजेस्टेड रेंज सब कुछ होगा। अभी सिर्फ मैंने आपको पानी के बताए हैं कि पानी के इतने होंगे। अभी धीरे धीरे हम इन सब के भी, जैसे आज अमोनिया के आ गए हैं आपके सारे, अब ऐसे ही जब हम मिनरल कंपोजिशन में जाएंगे तो सारे मिनरल्स के आ जाएंगे। बस उन सब चेन को आपको इकट्ठा कर देना है। फिर एक आपका आता है सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड जो हम अपने आईमॉक कॉन में फ्लॉक का काउंट करते हैं उसको हम यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड बोल रहे हैं, जो आपका 15 से 20 मिनट में सस्पेंड होके नीचे बैठ जाएगा। तो श्रिम्प के केस में वो बहुत ज्यादा हमें नहीं चाहिए, 10 टू 14 मिलीग्राम पर लीटर आपके आईमॉक कॉन में इतना होगा तो सफिशियंट है। क्योंकि अगर उसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो आपका ऑक्सीजन डिमांड, हाँ 10 टू 15 राइट। तो अगर उसका आप पुराने वीडियोस अगर आप यूट्यूब से उठाएंगे तो फोकस होता था कि फ्लॉक बहुत सारा होना चाहिए, बहुत बनना चाहिए, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 40 तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर क्या है कि उस फ्लॉक का अपना एक रिक्वायरमेंट है कि उसको ऑक्सीजन कंटिन्यूस चाहिए उसको जिंदा रहने के लिए। तो जैसे जैसे आप उसको बढ़ाते जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा कि जो श्रिम्प को हमें चाहिए ऑक्सीजन उसके सर्वाइवल के लिए, वो आपका सारा फ्लॉक कंज्यूम करने लगेगा और जो श्रिम्प है आपका वो स्ट्रेस में रहेगा। तो इसलिए उसको लिमिट आउट करके रखो, क्योंकि फीड तो आपको देना ही है। ऐसा नहीं कि 100% आप फ्लॉक पे उसका कल्चर कर लेंगे। अगर 100% आपको फ्लॉक पे कल्चर करना है तो उसकी स्टॉकिंग भी आपको करनी कम करनी पड़ेगी और कल्चर टाइम भी आपका बढ़ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, FCR आप जरूर रिड्यूस कर सकते हैं कि आपका FCR 1.1 तक आ जाएगा, जो आप पॉन्ड में देखें तो 1.5 1.7 तक जाता है। क्लियर? अच्छा, ये जो जो फ्लॉक होता है ना वो कंटिन्यूअसली बढ़ते ही रहता है कि अगर हमने हाँ। इसको 10 टू 14 का मेंटेन करना है, मतलब इसमें रेगुलर वाटर एक्सचेंज होगा? नहीं, अगर हम शुरू से ही हाँ। उसको बढ़ाने का फोकस नहीं करेंगे, बढ़ेगा कैसे वो? जितना भी उसमें अमोनिया कंटेंट जाता जाएगा, जितना कार्बन सोर्स जाता जाएगा, जितना एरिएशन जाता जाएगा, उस वजह से वो बढ़ता जाएगा। तो अगर हम शुरू से ही उसको कंट्रोल करके रखेंगे और जब भी हमें लगे कि वो ओवर हो रहा है तो हम 1 से 10% तक का स्लज नीचे से रिमूव कर देंगे अपना सेंट्रल ड्रेनेज के थ्रू, क्योंकि वो उसको उतना ही हमें एरिएट करना पड़ेगा जिससे वो सस्पेंड ना हो। सस्पेंड होगा तो जब वो नीचे पड़ा रहेगा, जब वहां पे आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डेड होगा, वो स्लज में कन्वर्ट हो जाएगा और स्लज जैसे ही कन्वर्ट होगा वो डीकम्पोज होगा, आपके में अमोनिया, मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड सब बनने लगेगा। तो कंटिन्यूस साइकिल आपको वो मेंटेन करना है, डेली, वीकली, बाई वीकली, मंथली, वो रोज के पैरामीटर आपके पास होने चाहिए। जब भी उनमें 19-20 हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, वो हमारे सब टिप पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने सीड स्टॉक कर दिया और अब हम भगवान भरोसे उसको छोड़ दिया। जिस दिन से हमने सीड स्टॉक किया, मतलब हमारा श्रिम, प्रॉन, क्रैब 24/7 ऑपरेशन है। हम नहीं कर सकते तो कोई ना कोई स्टैंड बाई रिसोर्स वहां पर होना चाहिए जो उन पानी की क्रिटिकलिटी को समझे, क्योंकि बायोफ्लॉक में कोई भी मशीनरी काम नहीं कर रही है। सारा नेचर है आपका, सारा इकोसिस्टम है, वही वर्क कर रहा है। जितना टाइम आप उसको देंगे, जितना अंडरस्टैंड आप करेंगे, इसीलिए जो इनिशियल का वाटर प्रिपरेशन है, जितना टाइम आप उसको दे देंगे उतना अच्छे से आप पानी को समझ जाएंगे। क्लियर? Yes. तो
अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है फार्मर का, मुझे श्रिम्प फार्मिंग करनी है, श्रिम्प फार्मिंग के बाद मुझे बहुत हाई डेंसिटी में स्टॉकिंग करनी है, तो अभी फार्मर को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है उस कल्चर का, उसको उसका हैबिट नहीं पता, हैबिटेट नहीं पता। जब आप झींगा को देखेंगे तो कभी वो अपने टैंक की बॉटम को छोड़ के ऊपर आता ही नहीं, ऊपर वो सिर्फ उसी कंडीशन में आएगा जब वहां पे मास मॉर्टेलिटी हुई होगी। अदरवाइज फार्मर को अगर चेक ट्रे उसके कल्चर में ना हो तो उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे टैंक में सीड है भी या नहीं। तो जब आप इनिशियल कल्चर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी स्टॉकिंग करने का ना सोचें। इनिशियल अगर आप 250 से 500 पीएल भी अगर आप मान सॉरी के चल रहे हैं। सॉरी, ये जो स्लाइड है ना, ये हिंदी में है हाँ और मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता। अगर ऐसे स्लाइड आएगी ना, प्लीज आप मुझे बताना क्या बता। वो मैं आपको इसीलिए कन्वे कर रहा हूं, ठीक है ना। तो जो आपका स्टॉकिंग है, जब आप स्टॉकिंग की बात करते हैं तो पर क्यूबिक मीटर आप शुरू में सिर्फ 250 से 500 पीएल तक का ही स्टॉकिंग करें। उससे क्या होगा कि जो आपका पहला कल्चर है उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे, वाटर के पैरामीटर कंटिन्यूसली आपको मैनेज करने। ये नहीं कि आपने वन टाइम अपना नाइट्रिफिकेशन साइकिल वाटर प्रिपरेशन कर दिया तो दोबारा प्रॉब्लम आएगी नहीं। रोज का अमोनिया बन रहा है, रोज का नाइट्राइड बन रहा है, रोज का नाइट्रेट बन रहा है, रोज का फ्लॉग बढ़ना है, अमोनिया का रिड्यूस होना है, सैलिनिटी कंट्रोल करना है, मिनरल कंपोजिशन देखना है, तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस है आपका, तो उसको समझना पड़ेगा। जो आपका एफसीआर है जिसे हम फीड कन्वर्जन रेशियो बोलते हैं, तो वो अगर आप अपना बायोफ्लॉक में रेस में देखें तो पॉन्ड के कंपैरेटिवली वो कम जाता है, क्योंकि पॉन्ड में आपके और भी इकोसिस्टम है जो काम कर रहा है, जैसे वहां पे आपका फाइटोप्लैंक्टन है, एल्गी है, आपका जूप्लैंक्टन है जिसमें और भी आपके जूप्लैंक्टन में आ रहे हैं, तो वो भी उस फीड को कंज्यूम करते हैं, तो वहां पे मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उस फीड को कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए वहां पे एफसीआर आपका बढ़ जाता है। पर यहाँ पे आपका फ्लॉग भी है जो एज अ अल्टरनेट फीड देगा आपके श्रेम को, और आपका कमर्शियल फीड भी है जो उसको टाइमली ग्रोथ देगा। करेक्ट, इस स्लाइड को यहां अच्छा, से तो समझना सॉरी सॉरी पड़ेगा। सॉरी सॉरी, ये जो आपने बताया, ये स्टॉकिंग डेंसिटी जो है 200 to 500 पीएल पर सीबीएम इनिशियल। हाँ अच्छा, अगर एक्सपीरियंस के बाद फिर कितना मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम आप इसको कहीं तक भी ले जा सकते हैं, नहीं, आई रेकमेंडेड कहीं पर, मतलब रिकमेंडेड जो आई लैब कंडीशन में है वो 3000 तक का है, थाउजेंड क्योंकि आपका क्या प्रॉब्लम है श्रेम का कि वो बॉटम में ही पड़ा रहेगा, जितना भी आप उसको फीड देते हैं वो भी सारा सिंकिंग फीड देते हैं, वो भी सिंक करेगा। 35% प्रोटीन फीड उसका जाता है, कितना खाया उसने कितना नहीं खाया वो हमें कुछ पता नहीं चलता, सिर्फ एक है हमारे पास जो हमारा चेक ट्रे है जो हमें बताती है कि कितना कंज्यूम वो कर रहा है, पर वो भी 100% श्योरिटी नहीं है, पार्शियल, जब तक आपका हार्वेस्ट नहीं होगा तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि कितना उसमें सीड है आपका। मल्टीपल टाइम आप उसमें नेटिंग कर नहीं सकते, जैसे कैटफिश में नहीं करते इसमें भी नहीं करते, क्योंकि उसको स्ट्रेस जाएगा, स्ट्रेस जाने में वो 3-4 दिन अपना फीड छोड़ेगा, फीड छोड़ने की वजह से बीमारियां उसको पकड़ेगी, मोल्टिंग में होगा, मोल्टिंग नहीं कर पाएगा, एन नंबर ऑफ इश्यूज है। तो जो पहला कल्चर है मेरे अकॉर्डिंग और जितनी भी स्टडी है, 250 से 500 पीएल की स्टॉकिंग बहुत हायर स्टॉकिंग है। अगर आप अच्छा, पॉन्ड में बात करें, हाँ मीटर बोलिए। स्क्वायर का है, ये पॉन्ड की बात कर रहे हो आप यहाँ पे? ये नहीं, मैं फायर, बायोफ्लॉक का रेस का बात कर, अच्छा तो मीटर क्यूब है ये जो बताया यहाँ पे, टू हंड्रेड हाँ टू ये फाइव मीटर क्यूब ही मान के चलिए। अच्छा
क्योंकि बायोफ्लॉक बता रहे हैं, बायोफ्लॉक का है, क्योंकि पॉन्ड में तो और आप इससे कम में जाएंगे। अगर आपके अर्दन पॉन्ड है, आपका लाइनर पॉन्ड है, तो आप इसकी स्टॉकिंग कम करेंगे, क्योंकि वाटर वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा, आपको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप कभी अर्दन पॉन्ड वाले फार्मर से मिलेंगे, तो शुरू में वो 25 पीएल का स्टॉकिंग करते थे, जिसे बढ़ा के उन्होंने 50-60 पीएल तक पर वो आए हैं। तो अगर एक एकड़ में देखें तो वो 2-2.5 लाख सीड डालते हैं और वहां से वो अपना प्रोडक्शन ले लेते हैं, 3500 kg का, 3700 kg का, 3800 kg का, 4 टन से नीचे नीचे का। तो जब आप स्टॉकिंग इतनी बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास बॉटम जो है बहुत हेल्दी बॉटम होना चाहिए, तो कम करेंगे स्टॉकिंग, आप एक कल्चर समझ जाएंगे, अगले कल्चर से वही बेस्ट प्रैक्टिस आप मेंटेन करके आगे अपने कल्चर को अच्छा बना सकते हैं। पहले में सब कुछ कर देंगे तो अगर फेलियर भी हुआ तो दूसरा कल्चर में आप उठ नहीं पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले आपका मॉडल सस्टेन करे, प्रॉफिट हम नेक्स्ट साइकिल में बात करेंगे। करेक्ट? ओके। तो जो स्टॉकिंग साइज है आपका, वो पीएल आपका मिनिमम 11 प्लस का होना चाहिए। 11 प्लस मतलब जब आप हैचरी से ले रहे हैं तो कम से कम वो 9 से 10 दिन का टाइम हैचरी कंडीशन में निकाल चुका हो। ये नहीं कि 6ठे दिन का 7वें दिन का बच्चा है और आपने स्टॉक कर लिया, उस लेवल पे बहुत ज्यादा मॉर्टेलिटी फेस करेंगे आपका कल्चर अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं। तो 11 प्लस मतलब क्या? 11 डेज, ये 11 प्लस मतलब 20। हाँ, तो उतना अगर आप लेके चलेंगे, जितना आप बड़ा साइज करते जाएंगे उतना सर्वाइवल रेट आपका बढ़ता जाएगा। पर पैकिंग में प्रॉब्लम आएगी कि शायद दूर से अगर आपका सीड आ रहा है तो पैकिंग में उसको आने में प्रॉब्लम होगा। तो एक 9, 10, 11 का एक स्टैंडर्ड साइज है जो कितनी भी दूर से आपके फार्म पर आ सकता है। फीडिंग रेट जो रहेगा आपका वो 3-6% बॉडी वेट का रहेगा। जितना भी आपका टोटल बायोमास है उसका 3-6% पहले दिन 3% देंगे, अगर कंज्यूम हो रहा है उसको 3.5%, 4% कंज्यूम कर रहा है 5% कंज्यूम कर रहा है 6%। वेदर क्लाउडी है, टेम्परेचर डाउन है, एरिएशन नहीं चल रहे हैं, तो फीडिंग रेट को कम कर देंगे। अच्छा, अब ये जो इनका फीड है वो सिंकिंग फीड है। इसमें हम कैसे देखेंगे कि फीड ले रहे हैं, सारा खत्म हो गया नहीं हुआ, as opposed to floating feed? Floating feed में आपके वाटर पैरामीटर आपको बताएंगे कि अमोनिया ज्यादा बन रहा है या विदिन रेंज है। विदिन रेंज है तो मतलब सारा प्रोसेस आपका ऑप्टिमम है। अगर वो एकदम शूट कर रहा है तो मतलब नीचे फीड वेस्टेज ज्यादा हो रहा है, तो उसकी परसेंटेज को आप कम करेंगे। तो ये रोज का पैरामीटर आपको देखना पड़ेगा, थंब रूल नहीं है, 3-6% तक आप दे सकते हैं, पर ये नहीं कि 6% ही देना है। वो आपकी फार्म कल्चर पे, आपके वाटर पैरामीटर पे, उस दिन की वेदर कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आज 3% जाना है, 4% जाना है, 5% जाना है, 6% जाना है, या 50% कट करना है। अगर अमोनिया बहुत हाई हो गया तो 50% फीड कट कर देंगे, क्योंकि कंटिन्यूस देते रहेंगे तो अमोनिया और शूट आउट हो जाएगा। ठीक है, फीड कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो 1.2-1.8 मतलब 1200-1800 ग्राम तक का फीड जब आप खिलाएंगे तो 1 kg आपका एनिमल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको FCR कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि जितना आप इसको कंट्रोल करेंगे वही आपका मेन प्रॉफिट है। क्योंकि फीड का भी बात अगर आप करें तो इंडियन करेंसी में देखें तो आपका फीड अभी 80 रुपीज, 90 रुपीज, 100 रुपीज, 120 रुपीज है।
तो अगर मोटा मोटा 100 रुपीज भी पकड़ लेते हैं तो 100 रुपीज 1 kg का है, तो अराउंड 120 रुपीज आपको फीड फीड पर ही खर्च करना है। फीडिंग के बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, प्रोबायोटिक कॉस्ट है, कार्बन सोर्स है, आपका फार्म मैनेजमेंट है, फार्म की लेबर है, फार्म सुपरवाइजर है, वो सब चीजें चेक करते करते अराउंड उस कॉस्टिंग को आप 200 kg मान लीजिए कि 1 kg श्रिम्प आपको प्रोड्यूस करने में अराउंड 180 to 220 रुपीज पर केजी का खर्च आएगा। इसके अलावा जितना आप उसको सेल आउट कर लेते हैं वो आपका प्रॉफिट में जाएगा। तो मोटा मोटा सा है कि 50% आपने खर्च किया, 50% आपने वहां से अर्न किया। सॉरी एक क्वेश्चन पूछना है मैंने, यहाँ हाँ पे है बोलिए। ना श्रिम्प का फीड मिलता नहीं है, जो भी जिसने भी श्रिम्प किया है वो खुद अपना फीड इंपोर्ट करते हैं, तो ऐसा हाँ, कुछ है जो खुद का कुछ फीड बनाते हो? बायोफ्लॉक में खुद का फीड बनाना बहुत ज्यादा रिस्की है। तो आप एक छोटा मशीन ले लें, ग्राइंडर टाइप का, जिसमें आप कीमा वगैरह बनाते हैं, उसमें मैं फीडिंग वाले इंग्रेडिएंट आपको बता दूंगा, उसको आप हाँ सन ड्राई वगैरह करके उससे भी आप यूज करते हैं, अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। हाँ हाँ मिलता है, वो मशीन तो मिलता है, पर वो फॉर्मुलेशन जो है वो हम बताएंगे तो हम कर सकते हैं ना। वो मैं बता दूंगा आपको, अदरवाइज देखेंगे हम अपना। फिश वाले फीड में भी 35% का प्रोटीन फीड आता है, 0.2 mm, 0.5 mm, तो जब फीडिंग वाला पार्ट हम कवर करेंगे तो उसमें ये डिस्कशन करेंगे। हाँ ठीक है। तो अगर हम देखें कि ग्रोथ रेट क्या रहेगा आपका, फार्मर जनरली कल्चर कर लेता है पर उसके पास ग्रोथ चार्ट होता ही नहीं, वो गूगल करता है, YouTube करता है, अपने फ्रेंड से पूछता है, प्रीवियस फार्मर से पूछता है, कोई बोलता है यार मेरा तो 1 हफ्ते में इतना हो जाता है, कोई बोलता है मेरा 2 हफ्ते में इतना होता है, तो कोई आइडियल डेटा किसी के पास नहीं है। ऑलरेडी साइंटिस्ट ने इतना रिसर्च करके वहां पे रखा हुआ है, और जितना भी अभी तक का हमारा सर्वे है तो उस पे अगर देखें तो आपका 1.3 ग्राम पर वीक से लेके 2 ग्राम पर वीक तक उसका ग्रोथ जाता है। मतलब आपका 1 वीक में बच्चे का ग्रोथ इतना जाएगा, 1 ग्राम से लेके 2 ग्राम तक, अगर आपके पैरामीटर, आपका सीड, आपका मैनेजमेंट सब अच्छा हुआ 2 ग्राम का, अगर कहीं 19-20 हुआ तो 1 ग्राम। तो ये आपका चेक ट्रे भी आपको बताएगी कि कितना ग्रोथ आपका आ रहा है। जो आपका रेयरिंग पीरियड है वो 90 to 120 days का है, फीमेल जो है वो थोड़ा छोटा, मेल जो थोड़ा बड़ा, तो एवरेज आउट आप करेंगे तो पार्शियल आप अगर हार्वेस्ट करें तो 90 days पे कर सकते हैं, कंप्लीट हार्वेस्ट करें तो 120 days पे कर सकते हैं। पार्शियल हार्वेस्ट आपको साइज वेरिएशन से बचाएगा, और आपके दो हार्वेस्ट करने से आपके प्रॉफिट वेंचर को भी थोड़ा बढ़ा देगा। फाइनल वेट जो इतने टाइम में जाएगा वो 20 से 22 ग्राम का आपका जाएगा। सब कुछ अगर आपका ठीक रहा तो सर्वाइवल आपका 85 to 95% तक जाएगा बायोफ्लॉक में। प्रोडक्शन जो है आपका 5 to 9 kg पर मीटर क्यूब, इतना प्रोडक्शन आप पहले उसमें ले पाएंगे। तो जब भी मेरे पास कोई बायोफ्लॉक के लिए फार्मर आता है कि मेरे पास 10,000 लीटर का टैंक है, तो क्लियर आउट करके मैं उसको मना कर देता हूँ कि उसमें अगर आप ट्रायल पायलट प्रोजेक्ट रन करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट, अदरवाइज कमर्शियली उसमें वो वाइबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपका 10,000 लीटर में 50 kg, 90 kg या 120 kg तक का ही प्रोडक्शन आप ले पाएंगे, उससे ज्यादा का प्रोडक्शन नहीं मिलेगा और मेहनत आपको उतनी ही लगेगी। तो अराउंड जब भी आप कल्चर करें अपने टैंक्स में तो कम से कम आपके 50,000 लीटर, 1 लाख लीटर का कैपेसिटी होना चाहिए। सॉरी कितना प्रोडक्शन बताया आपने पर सीडीएम, कितना केजी? 5 kg
9 केजी और 12 केजी। अच्छा पर सीडीए में। हाँ अच्छा, ये 5 9 और 12 का क्या है, मतलब कब 5 होगा कब 9 होगा कब? ये स्टॉकिंग जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे 250 करेंगे बढ़ाते जाएंगे। 5 6 हाँ ठीक है, तो 12 तो मैक्सिमम है ना फिर। हाँ उस तक आपके सारे घोड़े दौड़ जाएंगे, मतलब फार्म छोड़ के आप कहीं जाओगे नहीं फिर। ठीक है ना, तो शुरू में आप बस इतना ही फोकस करो, क्योंकि कोई बड़ा कल्चर नहीं है पर बहुत सारी चीजें आप उस कल्चर पीरियड में सीखोगे। क्योंकि ये वैसा नहीं है कि तिलापिया आपने छोड़ दी वो चल रही है, आपने हाइब्रिड मांगुर छोड़ दिया वो चल रहा है, ये वैसा नहीं चलेगा, ये सब निपट जाएगा। तिलापिया हाइब्रिड मांगुर एट द एंड आपको फिर भी टैंक में मिल जाएंगे, भले ही वहां पे शूटर फिश भी होंगे, कम से कम शूटर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर छोटे भी अगर वो खा जाएगा, पर यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, 100% जीरो हो जाएगा। तो यहाँ बहुत इफर्ट्स लगाने की जरूरत है, पहले कल्चर में स्टॉकिंग पे ना ध्यान देके स्टॉकिंग मिनिमम रखो, कल्चर को सस्टेन करने का कोशिश करो। कल्चर सस्टेन होगा तो अगला कल्चर आप बढ़ा के भी कर सकते। क्लियर? यस। आप जो है उसके बाद आपका पहले बायोफ्लॉक वाला लेता हूं फिर पॉन्ड वाला लूंगा, ठीक है? तो कुछ गाइडलाइन है आपका बायोफ्लॉक कल्चर शुरू करने से पहले। ये नहीं कि हमने टैंक बना लिया, सेंट्रल ड्रेनेज बना लिया, एरिएशन डाल दिया और बाद में हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि एरिएशन कितना चाहिए था, टैंक का साइज कितना होना चाहिए था, स्लोप कितना होना चाहिए था, कवर रखना था नहीं रखना था, ओपन कल्चर करना था। तो वो सारे डिस्कशन आपके फार्म प्लानिंग करने से पहले होने चाहिए, ठीक है? तो बायोफ्लॉक कुछ ऐसा नहीं है कि हम उसमें ये स्पेशीज कर सकते हैं ये स्पेशीज नहीं कर सकते, उसमें ऑलमोस्ट आप सब स्पेशीज कर सकते हैं कार्प को छोड़ के। कार्प कल्चर अगर आप करना चाहते हैं तो एज अ सीड स्टॉकिंग एज अ नर्सरी टैंक आप उसको यूज कर सकते हैं, पर एज अ ग्रो आउट कल्चर आप उसको यूज ना करें। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे एक्वा कल्चर में वो हमारा हाई क्वालिटी फीड्स। सीड स्टॉकिंग के बाद जो सबसे ज्यादा फार्मर को एक्सपेंडिचर जाता है वो फीड का जाता है, अराउंड 60-70% ऑपरेशनल कॉस्ट का। दूसरा फिल्ट्रेशन सिस्टम पे सबसे ज्यादा जाता है। राइस फार्म जब हम डिजाइन करते हैं तो शुरू में ही हमारी कॉस्टिंग 50 लैक्स 60 लैक्स 80 लैक्स 1 सीआर तक पहुंच जाता है। तो इतने सब चीजों को करते करते जब इनोवेशन लेके आए तो वहां से उन्होंने एक बायोफ्लॉक कल्चर निकाला। बायोफ्लॉक बेसिकली क्या है कि आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है। अमोनिया रोज बनना है, नाइट्राइट रोज बनना है, नाइट्रेट रोज बनना है, तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बायोफ्लॉक का कंसेप्ट। तो जब भी हम अपना बायोफ्लॉक करने का सोचें तो हमेशा हमारे कवर्ड कल्चर होना चाहिए और लाइन पॉन्ड सिस्टम आपके होने चाहिए, चाहे वो आपके तारपुलिन टैंक्स हो, चाहे आप अपने टैंक में भी कल्चर कर रहे हैं तो वहां पे लाइनर पॉन्ड होना चाहिए, ideally suited for बायोफ्लॉक सिस्टम, करेक्ट? ये सबसे पहला प्राइमरी आपका रोल है। अर्दन पॉन्ड में बायोफ्लॉक नहीं होगा, ठीक है शैलिश? हाँ सॉरी एक स्लाइड पीछे जाना। हाँ यहाँ पे क्या है, बायोफ्लॉक सिस्टम्स बैंक ऑन फोटोसिंथेसिस टू कन्वर्ट अनईटन फीड
स्पीसीज, ये बायोफ्लॉक है या पॉन्ड सिस्टम? आई थिंक पॉन्ड होगा, ये बायोफ्लॉक के लिए है। पॉन्ड सिस्टम उसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि श्रिम्प फार्मिंग के लिए फार्मर हमेशा बड़े पॉन्ड्स को प्रिफर करता है। तो बड़े पॉन्ड में अगर आप जा रहे हैं तो वो ऐसा नहीं कि आप अर्दन पॉन्ड में बायोफ्लॉक करेंगे। अर्दन पॉन्ड में भी आपको करना है तो वहां पे आप उस पॉन्ड को लाइनर लगा के कवर करेंगे, सो दैट यू कैन मेंटेन द वॉटर क्वालिटी। अदरवाइज हम उस पानी को इतना एरिएट करेंगे तो जो भी सॉयल के पार्टिकल्स हैं वो सब पानी में आपके सस्पेंड होते रहेंगे और वहां पे उसका टर्बिडिटी को बढ़ाएंगे। टर्बिडिटी बढ़ने से जो उनका चोक है, जो गिल इरिगेशन है, वो उनको होने लगेगा। तो आपके सीधे सीधे एक्वाटिक एनिमल्स को प्रॉब्लम होगा, स्ट्रेस में आएगा और वो कल्चर आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। तो मोटा मोटा है, जब भी आपको अपना बायोफ्लॉक करें, कवर्ड होना चाहिए आपका और आपका लाइनर पॉन्ड होने चाहिए। सीमेंटेड करो, आप कर सकते हो, अपना तारपुलिन टैंक लगाओ उसमें कर सकते हो। अगर आप पॉन्ड में कर रहे हो तो पॉन्ड में लाइनर डाल के आपको कल्चर करना था। क्लियर? ओके। सबसे पहला स्टेप आपका टैंक और पॉन्ड सेटअप। इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट ट्रेडिशनल फिश पॉन्ड विदाउट एनी लाइनर इनटू ए बायोफ्लॉक सिस्टम। इट इज अ चैलेंजिंग टास्क। माइक्रोब्स, मिनरल्स एंड हैवी मेटल्स नेचुरली बेस्ड इन द सॉयल इजली इन्फ्लुएंस द पैरामीटर ऑफ द पॉन्ड वाटर एंड कैन अफेक्ट द नेचुरल प्रोसेस अंडरलाइंग द बायोफ्लॉक सिस्टम। तो इसलिए जब भी हम अपना करें कल्चर, हमेशा लाइनर पॉन्ड के साथ करें जिससे हम अपने पानी की क्वालिटी को मेंटेन कर पाए। फॉर दोज न्यू टू बायोफ्लॉक इट इज बेस्ट टू स्टार्ट विद लाइन पॉन्ड्स, कॉन्क्रीट पॉन्ड्स और इंडोर टैंक्स wherein soil has no influence over water parameter or biofloc process. In most tropical countries, indoor system have a big advantage. As we experience heavy rainfall, alkalinity and pH are easily affected in outdoor system. Covered ponds are good option. तो जनरली फार्मर को ये सब चीजें अंडरस्टैंड करना चाहिए क्योंकि अब वो जो काम इतने बड़े पॉन्ड सिस्टम में कर रहा था, अब वो कुछ लीटर वाटर में वो कल्चर कर रहा है। तो वो हमारा ड्यूटी है कि वहां पे हम वो प्रॉपर हैबिटेट उसके लिए बना के रखें। वो कब बना के रखेंगे? जब हम अपने पानी के पैरामीटर्स को कंट्रोल करके रखेंगे। और कंट्रोल कब कर पाएंगे? जब हमारा वो सारा इंफ्रा कवर्ड होगा। बारिश ऐसा नहीं है कि बारिश खराब है, पर जब बारिश आपका पड़ा तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें एन नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट्स हैं, वो पानी के साथ डिसॉल्व होके आपके टैंक में आते हैं और सीधे सीधे आपके पीएच और एल्कलिनिटी को इफेक्ट डालते और वो स्विंग आपका एक्वाटिक एनिमल्स झेल नहीं पाएगा और वहां पे आपको मास मॉर्टेलिटी मिलेगा। इंडोर टैंक्स और रेसवे कैन बी यूज्ड एज वेल बट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल सनलाइट। तो जब भी हम बायोफ्लॉक की बात करते हैं तो हम अवॉइड करते हैं अपने नेचुरल सनलाइट को, क्योंकि वो एडवांटेज तो हमें दे रहा है कि एल्गी वहां पे बनेगा, पर अब हमारा एक्वाटिक एनिमल्स जो है वो एल्गी खाने वाला नहीं है। हमारे एक्वाटिक एनिमल को फ्लॉक चाहिए। फ्लॉक हम उसको विदाउट सनलाइट के भी बना के देंगे विद द हेल्प ऑफ एरिएशन। अगर आपको तिलापिया करनी है तो यू कैन डू इट, बट मेरे अकॉर्डिंग तिलापिया का कल्चर वाइबल नहीं है आपके बायोफ्लॉक सिस्टम में, क्योंकि उसका प्राइसिंग बहुत कम है। उतना हम ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं निकाल पाएंगे। आप उसको नॉर्मल पॉन्ड में करो, अर्दन पॉन्ड में करो, सीमेंटेड टैंक में करो, यू कैन इजिली टेक द ग्रोथ।
एल्गी वॉन्ट ग्रो सफिशियंटली और वॉन्ट ग्रो एट ऑल क्रिएटिंग अ बायोफ्लॉक सिस्टम बेस्ड सोलरली ऑन बैक्टीरिया दीज सो कॉल्ड ब्राउन बायोफ्लॉक सिस्टम आर ब्राउन इन कलर. तो आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, अगर मेरी शुरू वाली आपने सीरीज भी देखी है तो दो तरह के कल्चर आते हैं हमारे पास, एक ग्रीन वाटर और एक ब्राउन वाटर. अगर ग्रीन वाटर की बात करें तो वो एल्गी के लिए है, एल्गी जो आपका कार्प जिसको कंज्यूम करती है, तिलापिया जिसको कंज्यूम करती है, पर वो हमारे बायोफ्लॉक के लिए नहीं है स्पेशीज, क्योंकि उनका प्राइस बहुत ज्यादा लो है. तो उतने के इफर्ट्स अगर हमें डालने तो आप अपने कल्चर को ब्राउन वाटर में कन्वर्ट करो और आप जो हाई वैल्यू स्पेशीज है उनकी तरफ फोकस करो, सो दैट जो आपकी ऑपरेशन कॉस्ट है आप उसको भी निकाल पाए और अपने सिस्टम को प्रॉफिटेबल भी बना पाए. क्लियर? Yes. चलिश क्लियर? इफ यू यूज लार्ज पॉन्ड यू शुड इंस्टॉल bottom drain to occasionally remove excess sludge. This is especially important when adding carbohydrates on a regular basis, which add considerably more sludge to the pond. A second option is to use biofuel reactor to accelerate the conversion of pond sludge to biofloc. तो अगर आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो सेंट्रल ड्रेनेज उनपे बहुत फोकस होता था. अभी धीरे धीरे जो कमिंग वीडियोस आ रहे हैं उनमें सेटलिंग टैंक का भी कंसेप्ट आ रहा है. तो सेटलिंग टैंक्स में क्या है कि जितना भी स्लज है उसको हम फर्दर एक सेटलिंग टैंक में ले लेते हैं और वहां से जो सेटल आउट हो गया उस स्लज को आप रिमूव कर दिया और जो फ्रेश वाटर था उसको दोबारे से आपने अपने पंप में इनलेट कर दिया. तो ये कंटिन्यूस बेटरमेंट की अप्रोच है जो आपको अपने कल्चर में लगाना पड़ेगा आपके फार्म ऑपरेशन के अकॉर्डिंग. कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट आपको वो बनाना पड़ेगा जैसे जैसे आप उसमें बेटरमेंट लेके आएंगे. बायोफ्लॉक रिएक्टर्स क्या होते हैं? बायोफ्लॉक रिएक्टर्स क्या है कि जो आपका सेटलिंग टैंक है, आपने देखा होगा कोन टाइप के टैंक साइड में इंस्टॉल करते हैं अपने बायोफ्लॉक टैंक के, तो वो आपके बायोफ्लॉक टैंक का 1/6 होता है कि वहां से आपने सेंट्रल ड्रेनेज के थ्रू पानी वहां पे ड्रेन होता रहता है और ऊपर से पानी जो भी सेटल हुआ वो वेस्ट आपका नीचे सेटल आउट हो जाता है और फ्रेश वाटर जो है दोबारे से हम उस पानी को उसी टैंक में मूव कर देते हैं कि वो जो न्यूट्रिशन है वो भी बने रहे और जितना हैवी वाटर है वो भी हमारे एनवायरनमेंट में ना जाए. तो ये भी आप बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्लाई अपने कल्चर में कर सकते हैं टू मेंटेन द वाटर क्वालिटी, क्योंकि जितने एफर्ट्स आप वहां पर अपने तिलापिया और हाइब्रिड मांगूर में नहीं दे रहे उससे 100 times एफर्ट्स आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे टू गेट द सक्सेस इन द श्रिम्प फार्मिंग, क्योंकि आपकी बॉटम को 100% अच्छा बना के रखना. वो कौन बनाएगा? वो आपका बनाएगा एरिएशन. तो कभी भी हमें श्रिम्प के कल्चर में, बायोफ्लॉक के कल्चर में ये क्वेश्चन आना ही नहीं है कि हम अपना एरिएशन कब ऑफ कर सकते हैं. हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम उसको क्या एडिशनल बैकअप सोर्स भी दें अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है 1 hour, 2 hours, 3 hours के लिए, तो हमारे पास एडिशनल बैकअप सोर्स होना चाहिए टू मेंटेन द एरिएशन. अदरवाइज उसका सीधा सीधा इफेक्ट आपकी वाटर क्वालिटी पे होगा, सीधा सीधा इफेक्ट आपके एक्वाटिक एनिमल्स पे होगा और एनारोबिक जोन्स वहां पे बनेगा जिसकी वजह से आपका अमोनिया, मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड सारी गैसें शूट अप हो जाएंगी और शूट अप होंगी वो सीधे सीधे मास मॉर्टेलिटी में कन्वर्ट होगा. तो सिंपल सा थंब रूल है कि अगर आपका वाटर कैपेसिटी 1 lakh liter है
तो सिंपल सा आपका 1 HP एरिएशन आपको लगेगा, 1 horsepower का एरिएशन जाएगा ही जाएगा। वो छोटे पंप जो अभी तक आपने वीडियोस में वो देखे, वो अगर आप अपना हाइड्रोफोनिक कल्चर कर रहे हैं उन कल्चर के लिए वो बने हैं जहां पे सिर्फ पानी को मूव करना है, पर यहाँ पे हमें पानी भी मूव करना है, एरिएट भी करना है, और जो आपका फ्लॉक सस्पेंड हो रहा है उसकी मिक्सिंग भी चाहिए। तो एरिएशन आपका अप टू द मार्क होना चाहिए। Got it? One horsepower of 100,000 liters. तो बहुत बड़े पॉन्ड में कभी भी बायोफ्लॉक कल्चर करने का ना सोचे, क्योंकि वहां पे कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल लाखों में आने लगेगा, जिसको मेंटेन करना बहुत टफ हो जाएगा। तो हमेशा छोटे 1 लाख 2 लाख, मतलब 1 लाख से ऊपर भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप वैसे में जा रहे हैं, पॉन्ड में जा रहे हैं, तो छोटे ही आप रखो, जिसको हम इजिली मेंटेन कर सकें, सेंट्रल ड्रेनेज प्रॉपर हो, स्लज रिमूवल का सिस्टम आपके पास प्रॉपर हो, कवर्ड होने चाहिए, बाहर का कोई भी नेचुरल जो सनलाइट है वो डायरेक्टली नहीं पड़ना चाहिए, बाहर का जितना भी रेन वाटर वगैरह है वो सीधे हमारे फार्म में नहीं आना चाहिए। तो आप कोशिश करो कि अपने कल्चर इंडोर करने का, अगर आप बायोफ्लॉक जैसी टेक्नोलॉजी यूज कर। कवर्ड मतलब कंप्लीटली कवर्ड या शेड नेट से 80%? देखो आप 80% शेड, 80% शेड नेट की बात करते हैं तो 20% तो सनलाइट जाता है, तो पानी तो ग्रीन हो जाएगा, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो बारिश है वो बारिश नहीं रुकेगी उससे। तो जितने भी आपने कल्चर देखे होंगे वो सब बंद होने का रीजन यही है कि वो कवर्ड नहीं किया उसको। और जब बारिश होगी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 वीक, किसी को नहीं पता कब तक होगी, और जब आपके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में इतना फर्क आ जाएगा तो डेफिनेटली जो आपका वाटर टेम्परेचर है उस पे भी इफेक्ट आएगा, और आपका जो एक्वाटिक एनिमल है वो कोल्ड ब्लडेड है, वो उतना मेंटेन नहीं कर पाएगा, फीडिंग छोड़ेगा, उसको डिजीज पकड़ेगा, मतलब एक और साइकिल आपका की और वाला। तो जीरो सनलाइट में भी कर सकते हैं? जीरो सनलाइट में आप 100% कर सकते। और विटामिन डी का कैसे करेंगे फिर? विटामिन डी का सोर्स सनलाइट, विटामिन डी के एन नंबर ऑफ सोर्स आते हैं जो आप उसमें दे सकते हैं। लोग तो अपनी कलर्ड एक्वेरियम फिश पे वो कर रहे हैं, फ्लावर पॉन वगैरह आते हैं, हाँ फीड में देते हैं उसको। अच्छा, ये एरेशन का बताया 1 लाख पे 1 horsepower, 1 horsepower मिनिमम लगेगा ही लगेगा। प्री सीडिंग बेनिफिशियल माइक्रोब्स, तो जनरली फार्मर को टैंक बनाया बहुत जल्दी होता है, टैंक बनाने के बाद उसको सबसे जल्दी जो होती है वो स्टॉक करने की होती है, पानी तैयार हुआ नहीं हुआ उसको कोई मतलब नहीं, फिर उसको कैसा प्रॉब्लम आता है, उसको इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो ये अगर आपने सही से अपने पानी को प्रिपेयर, क्या प्रॉब्लम था ये जो बताया वो क्या प्रॉब्लम है? वो फिश का जो ट्रैवलिंग स्ट्रेस है, जो वो ट्रैवल करके आई है, वो वाला स्ट्रेस है कि वो उल्टा तैरने लगता है वहां पे, कि वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रही है। अब आप देखो कि पानी कितना क्लीन है, मतलब पानी तैयार भी नहीं हुआ है कि वहां पे वो उसको स्ट्रेस से रिलीव करे। स्ट्रेस से कौन रिलीव करेगा? जो इनिशियल सैलिनिटी है आपकी, जो सॉल्ट है वो उसको रिलीव करेगा, जो आपका फ्लॉक है वो उसको रिलीव देगा, क्योंकि सब बेनिफिशियल चीजें उसके अंदर है। आते ही वो फीड नहीं खाएगी आपके अगले 24 घंटे 48 घंटे, तो पानी आपका इतना सेल्फ कैपेबल होना चाहिए कि वो उसको मेंटेन करे, मोर्टेलिटी ना हो।
to accelerate the development of your biofloc system and stabilize your pond faster, it is advisable to pre-seed the culture water. This can be done by adding a number of commercial or homemade recipe to the culture water. A simple homemade recipe to quickly produce probiotic and prebiotic mixed in a closed drum and left to ferment for 48 hours, after which the content can be added to the pond. तो ये कुछ तरीके हैं आपके उस पानी को अच्छा बनाने के, जिससे जो आपका एक्वाटिक एनिमल्स आ रहा है, जब तक वो वहां से फीड ना उठाए तब तक वहां पे नेचुरल फीड हो उसके नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स सरवाइव करने के लिए. ये फार्मर सबसे ज्यादा कम टाइम इस पे देता है उसको सीड स्टॉकिंग का. सीड वो पहले ही ऑर्डर कर देता है, उसका पानी तैयार हुआ हो नहीं हुआ हो सीड वो पहले ही ऑर्डर कर देता है. सीड आ गया है उसके पास ऑप्शन ही नहीं, उसको करना ही है. और फिर मास मॉर्टेलिटी. अच्छा, ये जो रेसिपी है उसके डिटेल्स हम देखेंगे बाद में. हाँ हाँ, वो मैं सब आपको दे दूंगा. अब तो कमर्शियल इतने हैं, जब 2018 में शुरू किया था तब तो कमर्शियल प्रोबायोटिक थे ही नहीं इतने, अब तो एन नंबर ऑफ कमर्शियल प्रोबायोटिक है, यू कैन ऑल्सो टेक इट. स्पेशीज सेलेक्शन एंड स्टॉकिंग डेंसिटी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो फार्मर को नहीं पता होता. बहुत करना है उसको, हाई डेंसिटी कल्चर करना है, पर आज तक उसने फिश संभाली नहीं. तो पहला कल्चर ओड़े के साथ आप शुरू करें, जिससे आप सब चीजें समझ पाए कि पीएच फ्लक्चुएशन हो रहा है तो कैसे कंट्रोल करेंगे, अमोनिया फ्लक्चुएट हो रही है कैसे करेंगे, नाइट्राइट हो रहा है कैसे करेंगे, नाइट्रेट हो रहा है कैसे करेंगे, डिसॉल्व ऑक्सीजन हो रहा है कैसे करेंगे, आपका स्लज ज्यादा बन रहा है कैसे मेंटेन करेंगे, फ्लॉक नहीं बन रहा है कैसे बनाएंगे. उस सारे क्वेश्चन के आंसर आपके पास होने चाहिए, देन यू विल गो फॉर द हायर स्टॉकिंग डेंसिटीज. करेक्ट. Right. तो जो सबसे बड़ा है आपका बैलेंसिंग कार्बन सोर्स इनपुट, तो जितना भी हमारा कल्चर बना हुआ है बायोफ्लॉक का या हमारा नेचर का, वो सब आपका कार्बन नाइट्रोजन रेशियो पे ही डिपेंड है. जब भी वो बिगड़ता है तभी प्रॉब्लम आती है. वो बिगड़ेगा कब, जब आप उसको बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन फीड देंगे. इसलिए साइंटिस्ट ने जितना भी अपनी रिसर्च की सब तिलापिया के साथ की, क्योंकि तिलापिया को अगर आप 25% प्रोटीन फीड भी देते हैं तब भी उसको ग्रोथ मिलता है. और हाई डेंसिटी में भी आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि अमोनिया स्पाइक हुआ उस पर इतना फर्क नहीं पड़ता, नाइट्रेट के कंटेंट हाई गए उस पर इतना फर्क नहीं पड़ता. पर अगर ये सब चीजें आपने श्रम के साथ की तो वहां पे आपको मास मॉर्टेलिटी देखने को मिलेगा. टू प्रिवेंट अमोनिया पीक्स मोस्टली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द नाइट्रोजन इन द फीड, तो वो जाना ही जाना है. एट द स्टार्ट ऑफ द फार्मिंग साइकिल वी रिकमेंड जंप स्टार्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बायोफ्लॉक इन योर पॉन्ड और रेसवे सिस्टम बाई एंश्योरिंग द सफिशियंट अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट. The carbon in this carbohydrate enable heterotrophic bacteria to multiply and synthesize ammonia, thus maintaining water quality. You select only carbon source and feed mixture with a carbon to nitrogen ratio above 10, as this favors the growth of this heterotrophic bacteria. Since most fish and shrimp feed have a carbon nitrogen ratio of 9:1 or 10:1. Additional input are needed to raise this ratio to between 12:1 and 15:1. Any material that contains simple sugar and break down quickly can be used. तो जो आप फीड ले रहे हैं अगर उसमें भी देखें तो 9:1 और 10:1 का कॉम्बिनेशन है, पर अगर आप हिट्रोटॉफिक के लिए देखें तो अराउंड 15:20 आपका इनिशियल में कार्बन सोर्स होना चाहिए. अगर एक भाग आपका 10 है तो 15 से 20 भाग आपका
कार्बन सोर्स होना चाहिए। अब कार्बन सोर्स वो आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप उसको क्या दे रहे हैं, मोलासिस दे रहे हैं, शुगर दे रहे हैं। अगर शुगर दे रहे हैं तो 44% है। अगर वहां 1 kg लगेगा आपका मोलासिस तो आपका शुगर 1/2 kg लगेगा, पर प्राइस ऑलमोस्ट वही बैठेगा। पर इनिशियल में आपको अपना कल्चर मेंटेन करना है तो यू कैन स्टार्ट विद द शुगर। शुगर को चेक करिए कि वो आपकी केमिकल फ्री होना चाहिए, उसमें सल्फर नहीं होना चाहिए, उसमें ब्लीच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो सारे फ्लॉक को किल कर देगा। कंट्रोलिंग दिस वन ऑफ द हार्डेस्ट स्टेप फॉर सक्सेसफुल। अच्छा, यहाँ पे मोलासिस और जैगरी नहीं मिलता तो हमें शुगर यूज करना पड़ता है। अभी जो आपने बताया सल्फर और ब्लीच, वो कैसे लैब में टेस्ट करना पड़ेगा कि उसकी कोई है तरीका टेस्ट? नहीं, जब आप उसको किसी कैटल फीड से खरीदेंगे तो वो आपका अनप्रोसेस्ड आएगा, जब आप उसको किसी सुपर स्टोर से खरीदेंगे तो वो आपका प्रोसेस्ड आएगा। तो प्रोसेस्ड वाले में आपको अनप्रोसेस्ड शुगर लेना है जो आपकी येलोइश कलर की होगी, सुपर वाइट वाली नहीं चाहिए हमें। सुपर वाइट सल्फर और ब्लीच की वजह से वो सुपर वाइट है। यहाँ पे है ना, शुगर इंपोर्ट होती है, सारी शुगर इंपोर्ट। तो क्या होता है कि जो जिन्होंने ब्राउन करके बेचना है ना, वो व्हाइट शुगर लेके उसमें मोलासिस ऐड करके ना वो ब्राउन शुगर जैसे पैकेज करके उसको बेचते हैं। लैब में दे सकते हैं, अदरवाइज जब भी आप वो परचेस कर रहे हैं तो उसके पैकिंग मटेरियल पे भी आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगा, केमिकल फ्री है नहीं है, वो सब कुछ मेंशन होगा उस पे। अदरवाइज आप अपना यहाँ पे कुछ भी बेच देते हैं, आपको कुछ डिटेल्स नहीं मिलेगा। तो चलो ठीक है, हमारे इंडिया जैसा है, इंडिया में भी कुछ भी बेच इंडिया से तो हमें ही अवेयर होना है कि हम क्या चीज ले रहे हैं। ठीक है, मोलासिस का देखिए। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है आपकी बायोफ्लॉक में वो अमोनिया का ही कंट्रोल करना है। तो इसीलिए मैंने बोला आप पहले कल्चर में हाई डेंसिटी कल्चर पे मत जाइए, जिससे आप इजिली उन सब चीजों को समझ पाए, मेंटेन कर पाए और सस्टेन कर पाए। सबसे पहला काम है कि फार्मर, यूथ, एंटरप्रेनर सस्टेन करे, उन सब चीजों को समझे, देन प्रॉफिट में कन्वर्ट हो ही जाएगा आपका वेंचर। सो बायोफ्लॉक ग्रोथ, तो जो आपका है एरिएशन, कार्बन सोर्स, यही सब चीजें उसको मेंटेन करेंगी। और कंटिन्यूस आपको अपने वाटर पैरामीटर आइडल रखने, जो हमने सेशन 1 में डिस्कस किए। अगर आपने उनको आइडल रखा तो अपना फ्लॉक डेफिनेटली बनेगा। सीधे सीधे ये बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं दिन भर में कि कौन सी कंपनी का हम प्रोबायोटिक लें। तो कोई सी कंपनी का प्रोबायोटिक 100% श्योरिटी नहीं देगा, क्योंकि ये नेचर के साथ में आपका कल्चर है। जितना आप अपने वाटर के पैरामीटर मेंटेन करेंगे उतना ही आपका ग्रोथ फास्ट होगा। ठीक है, तो अगर आप अपना श्रिम का कल्चर कर रहे हैं तो 15 का टारगेट है अपना, और अगर आप कार्प का कल्चर, कैटफिश का कल्चर, तिलापिया का कल्चर कर रहे हैं तो 25 मिलीग्राम पर लीटर आइम ऑफ कॉर्न में होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि डे वन पर ही वो आपको उतना चाहिए, 5, 7, 10 जितना भी है उतने से आप शुरू कीजिए, पर बिफोर स्टॉकिंग द सीड आपके वो पैरामीटर ऑप्टिमम होने चाहिए। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ बायोफ्लॉक डेवलपमेंट, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आप रखना होगा। शुरू के डेवलपमेंट प्रोसेस से जब हम अपना पानी भरते हैं वो हमारा डेवलपमेंट फेज है, 4 से 6 हफ्ते के बाद जब आपका डेवलप हो जाएगा उसके बाद हमारा मेंटेनेंस फेज आएगा, उसमें भी आपको वो पैरामीटर मेंटेन करने। क्योंकि आप ये देखो कि जो हम रेस के एनवायरनमेंट बनाते हैं, रेस के सेटअप बनाते हैं,
वहां पे भी हम इतनी ही कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते हैं, क्योंकि मशीनरी चल रही है, कब कौन सी मशीनरी इफेक्टिवली काम करेगी नहीं करेगी हमें भी नहीं पता। और बायोफ्लॉक तो डायरेक्टली सारा नेचर पे डिपेंड है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो एनवायरनमेंट मिल रहा है वो काम करेगा, नहीं मिल रहा है नहीं करेगा। विंटर में अगर आप पूछोगे वाटर प्रिपरेशन में कितना टाइम लगेगा, तो 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा। अगर आइडल पैरामीटर में बोलो 22 से 32 में, तो मिनिमम 4 से 6 वीक का टाइम लगेगा। ओके ओके तो सबसे ज्यादा जो हमें ध्यान रखना है बायोफ्लॉक में, जो हमारा रेस्पिरेशन रेट है, क्योंकि वहां पे फ्लॉक है जिसको कंटिन्यूस एरिएशन चाहिए। जो आपकी नाइट्रिफिकेशन साइकिल में है उसमें भी जो बैक्टीरिया है उनको भी ऑक्सीडाइजेशन चाहिए। तो रेस्पिरेशन रेट हमेशा आपका प्लस होना चाहिए 6 mg/L से, 6 ppm के ऊपर होना चाहिए। एनी पावर फेलियर एट दिस स्टेज कैन क्विकली रिजल्ट इन टोटल क्रॉप फेलियर ड्यू टू अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज इन अ लो ऑक्सीजन एनवायरमेंट मैनी हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया एक्चुअली स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अमोनिया। जब उसको वहां ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो एनारोबिक कंडीशन वहां पे बिल्ड हो जाएगी, और जो हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो भी अमोनिया प्रोड्यूस करने लगेंगे। जब वो ही कंज्यूम करने वाले अमोनिया प्रोड्यूस करने लगेंगे तो कंडीशन बहुत वर्स्ट हो जाएगी। तो इसलिए एरिएशन 24/7, एरिएशन का बैकअप 24/7। अगर 1,00,000 L के लिए 1 HP बोला है तो मतलब 1:1, क्योंकि वो मशीनरी को भी रेस्ट देना है, अदरवाइज वो मशीनरी फेल हो जाएगा। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ द फार्म स्टॉक, तो जितना भी आप कर रहे हैं, फीडिंग दिया आपने, हम FCR लेके चल रहे हैं कि 1-1.2 तक आएगा। आपने सैंपल नेटिंग करा 3rd week में, 4th week में, 6th week में, पर आपने देखा कि मैंने जितना फीड दिया उतना मेरा कन्वर्जन हुआ है नहीं हुआ है, वो सारी मॉनिटरिंग आपको करनी है। जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट उस पर जा रहे हैं, आपका फार्म पे आना, आपका फार्म से जाना, लोगों का आना, उनको गेट टुगेदर करना, जो भी आप उनको ट्रीट कर रहे हैं, जो आपकी फार्म लेबर है, फार्म सुपरवाइजर है, जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, वो सब आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, so that at the end you will get a perfect DPR. आपके पास वो सारे इनपुट आउटपुट होने चाहिए कि हाँ मेरा वेंचर सस्टेनेबल है, पर वो प्रॉफिटेबल भी है या नहीं। Got it? इतना सब कुछ आप करेंगे, इतना सब कुछ करने के बाद आप अपना हार्वेस्ट कर पाएंगे। तो इतना इजी नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, कोई थंब रूल नहीं है। जितना आप अपने पानी को समझेंगे उतने आप अपने सक्सेस रेट को बढ़ा पाएंगे। कल्चर आप कहीं पर भी कीजिए, थ्रू आउट सब इक्वल है। पानी वही है आपका, चाहे आप वो रेस में करें, बायोफ्लॉक में करें, पॉन्ड में करें, सीमेंटेड टैंक में करें, या घर के एक छोटे से एक्वेरियम में ही करें। वो सारी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि कौन सा पैरामीटर मेरे वाटर को खराब कर रहा है और क्या ऐड करके मैं इस पैरामीटर को ठीक करूं। तो अगर एरिएशन आप अपना सही रखते हैं तो अराउंड 50-70% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। करेक्ट? तो जितने भी ये स्टेप्स थे, तो वेल नोन नेम है आपका सिंगापुर, वहां से इंटरव्यू जो लिया था उन्होंने ये कंसोलिडेट करके बिफोर स्टार्टिंग योर कल्चर। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे बनाए हुए हैं, जितना रिसर्च उस पर ऑलरेडी हो चुकी है वो सब रिसर्च गाइडलाइन को उसमें एक सिंपल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड कराने के लिए
सो देट फार्मर उसको समझ पाए और उनको अपने कल्चर प्रैक्टिस में डिप्लॉय कर पाए. ओके तो आप जो है हेलो चलिए सुन पर हेलो आवाज आ रहा है. हाँ आवाज आ रहा है. स्क्रीन मिल रहा स्क्रीन दिख रहे ठीक है. अपना ये एक स्लाइड और कर लेते हैं उसके बाद फिर तो अब जो आपका वाटर प्रिपरेशन है तो दो तीन चीजें आपका वाटर साइकिल है, वाटर प्रिपरेशन है, नाइट्रोजन साइकिल है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया है और हाउ टू मेंटेन गुड इकोसिस्टम. तो आप कहीं पर भी अपना कल्चर करें, चाहे वो आपका पॉन्ड में हो, सीमेंटेड टैंक में हो, बायोफ्लॉक टैंक में हो या एक्वेरियम में, आपका जो मिनिमम टाइम है वो 2 to 3 weeks तो जाएगा ही जाएगा और डिपेंड्स ऑन योर वाटर क्वालिटी. अगर वाटर पैरामीटर आप ठीक से मेंटेन कर रहे हैं तो वो चीजें आपकी मिनिमम 3 to 4 weeks. ठीक है. हेलो ओके या ठीक है. तो जो आपका वाटर साइकिल है अगर हम उसको नाइट्रोजन साइकिल से समझें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा.
तो शुरू में हमारा जो 10 है आपका टोटल नाइट्रोजन अमोनिया, टोटल अमोनियम नाइट्रोजन, जिसमें आपका NH3 और NH4, इन दोनों के बिना हमारा नाइट्रिफिकेशन साइकिल शुरू होता ही नहीं। तो कोई ना कोई सोर्स हमें चाहिए कि जहां से हमारे कल्चर में अमोनिया या अमोनियम आए। तो वो हम अपना फीड डाल के भी कर सकते हैं, फर्मेंट कर रहे हैं उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या जो केमिकल्स फर्टिलाइजर आते हैं उनके थ्रू भी कर सकते हैं, या नेचर को वो काम करने दे, नेचर 3 से 4 वीक में वो काम कर देता है। तो यही साइकिल है आपका, जिसे आप अपना नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रिफिकेशन साइकिल बोलते हैं। तो अमोनिया शुरू में आपका शूट आउट होगा, बढ़ता जाएगा और फिर धीरे 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 वो आपका 0.25 और 0 पे वीकली डिक्रीज होके आ जाएगा। तब तक आपको वो वेट करना है। इसको आप उससे भी समझ सकते हैं जिसे आप फिश लेस साइकिल बोलते हैं। विदाउट फिश के आप अपने वाटर को साइकिल कर रहे हैं। बहुत सारे एक्वेरियम के वीडियोस देखेंगे तो आपको मिलेंगे फॉनर्स वगैरह के, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ उन चीजों को। फिर है आपका नाइट्राइट। सबसे पहले आपका अमोनिया ग्रो करेगा, धीरे 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 कंट्रोल हो जाएगा, फिर आपका नाइट्राइट बढ़ना शुरू होगा, बढ़ते 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 3rd to 4th week में वो आपका 0 पे पहुंच जाएगा। फिर आपका नाइट्रेट है, बूम होना शुरू होगा 20, 40, 80, 160, धीरे 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 करके वो भी आपका मिनिमम रेंज 0, 5, 10 तक पहुंच जाएगा। ये आपका आइडल रेंज है स्टॉक द सीड, करेक्ट। जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके एक्वाकल्चर में वो दो है आपके। सबसे पहला आपका वाटर सर्कुलेशन। अगर आपका पानी सर्कुलेट हो रहा है किसी भी कल्चर, तो आधे से ज्यादा इफेक्टिव इकोसिस्टम आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा जो पानी मूव कर रहा है। दूसरा फिल्ट्रेशन। पॉन्ड में हमारा नेचुरल फिल्टर होता है जहां पे सब कुछ हमारा नेचर काम कर रहा है, इसी हिसाब से हम वहां पे स्टॉकिंग भी करते हैं। यहाँ पे हम हाई डेंसिटी में कल्चर कर रहे हैं तो हम वो सब चीजें खुद से मेंटेन करते हैं और कोशिश करते हैं कि वहां पे हमारा जो बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन है वो हमारा मेंटेन रहे। जो हमारा कौन मेंटेन कर रहा है? हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सेम यही काम हम अपने रेस में बायो फिल्टर के थ्रू करते हैं, जहाँ पे हमारे बायो मीडिया होते हैं। बायो मीडिया में भी हमारा नाइट्रोसोमोनस नाइट्रोबैक्टर होता है जो उसको कंज्यूम करता रहता है। ये साइकिल आपने ऑलरेडी आप कल्चर कर रहे हैं तो आपको समझ में आता ही है कि विदाउट फिश वेस्ट या फिश फूड के अमोनिया कभी पानी में आएगा ही नहीं। तो जब आप साइकिल शुरू करेंगे तो कुछ गाइडलाइन है, वो जब हम अपना स्टेप बाय स्टेप गाइड लेंगे तो उसमें वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका अमोनिया आता है, अमोनिया के बाद नाइट्रोसोमोनस जो बैक्टीरिया वो उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया भी उतना ही टॉक्सिक है जितना आपका नाइट्राइट टॉक्सिक है। फिर उसको कन्वर्ट करता है आपका बैक्टीरिया और वो नाइट्रेट में ले जाता है। वो भी टॉक्सिक है पर इतना टॉक्सिक नहीं है आपकी एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। अगर वो रेंज बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो इफेक्टिव सोल्यूशन वहां पे वाटर चेंज का है, आप वाटर चेंज कर सकते हैं, पर कभी भी इस प्रोसेस के बीच में वाटर चेंज मत कीजिए जब तक अमोनिया नाइट्राइट में नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट नहीं होता। सिर्फ टॉप अप कर सकते हैं, रिमूव नहीं करेंगे कुछ भी वाटर। और सेम साइकिल ये आपका थ्रू आउट लाइफ साइकिल चलता रहे। आपने जो बताया ये इस स्टेप में वाटर एक्सचेंज नहीं करना है। हाँ, क्योंकि
ये आपका जब अमोनिया इंट्रोड्यूस हो रहा है और जब नाइट्राइट इंट्रोड्यूस हो रहा है उस टाइम पर सिर्फ आप टॉपअप कर सकते हैं। फार्मर क्या सोचता है कि मेरा अमोनिया बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, मैं चेंज कर देता हूँ। तो चेंज नहीं करना उसको, अमोनिया जब एक सर्टेन लेवल तक ग्रो करेगा उसके बाद वो कन्वर्ट होगा नाइट्राइट में। पर आप यहाँ पे एक चेंज ले लेंगे तो ये साइकिल फिर अपना बैकवर्ड चला जाएगा, फिर वो नेक्स्ट 1 to 2 weeks लगेंगे फिर वो इस लेवल पे आए। तो डिस्टर्ब मत कीजिए उस कल्चर को, बस मेंटेन कीजिए अपने पीएच को, अपने टेम्परेचर को, अपने अल्कलिनिटी को, और जिससे ये साइकिल टाइमली कंप्लीट हो पाए। और अगर हमने वो जो पहले साइकिल कर लिया है, जो हमने वो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट वगैरह डाल दिया, तो फिर ये बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, ये फिश डालने के बाद ये साइकिल की प्रॉब्लम नहीं आएगी? साइकिल की प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी, फिर आपको डेली लेवल पे जो अमोनिया आ रहा है उसको आपको कंट्रोल करना है ड्यू टू द कार्बन रेशियो। तो कुछ हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस बोले, तो लैक्टोबैसिलस बेसिकली लैक्टिक एसिड है आपका जो आपकी गट के लिए काम करता है। बैसिलस ग्रुप के जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे आपके हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं जो आपके स्लज को कंज्यूम करते हैं और आपका हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की कॉलोनीज बनाते हैं। नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोबैक्टर जो है वो आपके नाइट्रिफिकेशन साइकिल को रन करते हैं। ये भी एक सर्टेन बहुत बड़ा टॉपिक है कि जो कभी खत्म नहीं होने वाला टॉपिक है, पर हमारे कल्चर के लिए ये सुटेबल स्पेशीज है। तो जब भी आप कोई अपना प्रोबायोटिक खरीदें तो ये उसमें होने चाहिए, बेसिलस, नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोबैक्टर। बेसिलस ग्रुप के 5 to 6 बैक्टीरिया है, वो बेसिलस से आप समझ सकते हैं। तो जो हमारा बायोफ्लॉक है, अगर आप नॉर्मल साइकिल देखें, अमोनिया बना, अमोनिया से नाइट्राइट्स बना, नाइट्राइट से नाइट्रेट बना और रिलीज हो गया नाइट्रोजन, जो आपके एनवायरनमेंट में 78% है, ये नॉर्मल साइकिल है। पर हमारे बायोफ्लॉक में क्या होता है, बायोफ्लॉक में अमोनिया बना, अमोनिया के बाद सीधे एरिएशन और विद द हेल्प ऑफ कार्बन सोर्स हम इसको सिंगल सेल प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेते हैं जो आपका फ्लॉक है। इंक्रीज नाइट्रिफाइंग बैक्टीरियल कॉलोनीज दैट मेंटेन वाटर क्वालिटी एंड टुगेदर विद फाइटोप्लैंकटन एंड जूप्लैंकटन आर एडिशनल फूड इन एक्वाकल्चर फार्मिंग सिस्टम। इसलिए बायोफ्लॉक को इतना प्रमोशन मिला क्योंकि कुछ एडिशनल हमें इसमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ रहा है। तो अगर हमारा मार्जिनल फार्मर है, कोई इनिशियल अपना वेंचर करना चाहता है, इसलिए सबका इंटरेस्ट बायोफ्लॉक की तरफ है। पर किसी का इंटरेस्ट उसकी साइंस, उसका केमिस्ट्री समझने पे नहीं है कि वो कैसे काम कर रहा है। एक कल्चर करते हैं, दो कल्चर करते हैं, उसके बाद बोलते हैं यार ये कल्चर ना बेकार है। विकार इसलिए है क्योंकि उसको बहुत समझने की कोशिश करनी है उन कल्चर को करने से पहले, और उसी में हम वो इनिशिएट कर रखा है कि हम एवरी वेंसडे एवरी सैटरडे थ्रू आउट वहाँ पे वो पॉपुलर करते रहते हैं। और हमारा वो ही बेस है कि विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया हम देखे जा रहे हैं। सेम यही काम जब आप अपने एक्वेरियम में या जब आप कभी अपना रेस बनाएंगे या मिनी रेस बनाएंगे तो यही काम हमारा बायोलॉजिकल फिल्टर करता है। वहां पे भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है क्योंकि हमेशा बैक्टीरिया को एक सरफेस चाहिए। सरफेस मिलने से क्या होता है, वो अपनी कॉलोनीज फॉर्म कर लेता है। पर बायोफ्लॉक में क्या करते हैं, हम उसका कहीं पर उसको सेटल आउट नहीं होने देते क्योंकि सेटल आउट होगा तो फिर वो अपना स्लज बनेगा। इसलिए हम उसको हायर डेंसिटी में एरिएट करते रहते कि जिससे वो मिक्स होता रहे, मिक्स होता रहे, मिक्स होता रहे। तो जो आपका टैन है, टोटल अमोनिया नाइट्रोजन, जिसमें आपका अमोनिया भी है जिसे आप NH3 से डिनोट कर रहे हैं और अमोनियम भी है जिसे आप NH4 से डिनोट कर रहे हैं, और डायरेक्टली आपका टेम्परेचर पे
और पीएच पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप अपना पीएच मेंटेन कर लेते हैं तो तब भी वो आपका जो टैन का लेवल है वो आपकी स्पेशीज को स्ट्रेस में तो ले आएगा पर मास मॉर्टेलिटी नहीं होगी। ये देखो 7 है आपका पीएच और आपकी 10 की वैल्यू 0.3, 0.5, 1, 2, 4 तक भी चली जाएगी। आइडियल फॉर ऑल फिश। 8 पर आ गए हैं आप, 8 पर 0.3, 0.5, 1, पोटेंशियली हार्मफुल टू सेंसिटिव फिश एंड यंग फ्राई। तो श्रिम्प के लिए कंडीशन हार्मफुल है। तो 8.2 हम अगर मान के चले तो 0.3 तक का भी लेवल है तो वो आपका झेल जाएगा 10 की वैल्यू। तो हमेशा 0.5 से नीचे नीचे, 1 से नीचे नीचे आप अपना 10 को रखने का कोशिश करो। सारी कैलकुलेशन आपकी जो कार्बन सोर्स की वो आप 10 पर ही करो, ठीक है। जो आपको प्रॉब्लम था टीएसएस और एसएस, तो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, अब हमें वो नहीं पता कि हमारे पानी की हार्डनेस किस वजह से बढ़ रही है। तो फ्रेश वाटर में अगर आप कल्चर कर रहे हैं तो हमेशा आपकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 500 होना चाहिए। सॉल्ट वाटर में कर रहे हैं, ब्रैकिश वाटर में कर रहे हैं, सलाइन वाटर में कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हमेशा 900 से ऊपर ऊपर ही रहेगा। सस्पेंडेड सॉलिड जिसे आप फ्लॉक बोल रहे हैं, फिश के लिए लेस देन इक्वल टू 25 मिलीग्राम पर लीटर, श्रिम्प के लिए लेस देन इक्वल टू 15 मिलीग्राम पर लीटर, इससे ज्यादा नहीं। इस तरह का आपका पानी होना चाहिए, इतनी ट्रांसपेरेंसी, इतना नेचुरल फीड वहां पर होना चाहिए उसके सर्वाइवल के लिए, उसके ग्रोथ के लिए। कुछ डाउट, कुछ कंसर्न आज के सेशन के रिगार्डिंग तो पूछ सकते हैं। नहीं नहीं कोई डाउट, ठीक है ना। तो आज का एक जो टॉपिक मेरी तरफ से अभी बचा है वो मैं पॉन्ड वाला है कि पॉन्ड में अगर आप विनामी कर रहे हैं तो क्या क्या आपकी गाइडलाइन होंगी, तो इसको भी हम कवर करेंगे, पर इसको हम कल करेंगे क्योंकि मेरा एक 12:45 से एक नेक्स्ट सेशन है, तो इसको हम कल सेम टाइम पर कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई कंसर्न हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं नहीं अभी कुछ क्लियर हुई चीजें? हाँ ये तो सारा बेसिक है अभी जो आगे जाएंगे तो कल जो हम लेंगे वो हम अपना लेंगे फ्रेश वाटर मिनरल कंपोजिशन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इम्पोर्टेंस इन सर्वाइवल एंड ग्रोथ, हाउ टू गेट गुड सर्वाइवल एंड, ये वाला कल का टॉपिक है। उसके बाद हम वाटर प्रिपरेशन, फीडिंग, बायोसिक्योरिटी, डिजीज और फाइनल डिस्कशन, एक सेशन और देना होगा तो एक मैं आपको एड ऑन सेशन यहाँ पे दे दूँ। अगर आपके कुछ भी डाउट्स वगैरह, कुछ भी कंसर्न, स्टॉकिंग प्रोसेस मेथड वो सब कहाँ पे करेंगे, वो सब यहाँ पे आएगा, सब इसमें आएगा, फीडिंग, बायोसिक्योरिटी, डिजीज, सब यहाँ पर, वाटर प्रिपरेशन, आयोनिक बैलेंस वगैरह वो कल आएगा, वो कल आ जाएगा आपका सर। ओके थैंक यू। ये रिकॉर्डिंग में आपको प्रिपेयर करके ये सब आपको प्रोवाइड करा दो। हाँ एक वो मैं रिपोर्ट आपको बता रहा था कि
अच्छा दूसरी बात, अगर हम कंपाउंड के बारे में बात करते हैं तो उसका जो इनिशियली हमें वो बनाना पड़ता है ना, वो सोयल टेस्टिंग करानी पड़ती है, वाटर टेस्टिंग करानी पड़ती है, उसके वेरियस पैरामीटर्स जो हाँ, उसके आइडिया आपको दिखा रहा हूँ, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। तो आपको नॉर्मली जब भी अपना कल्चर करना है तो एक रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। हम भी शुरू कर रहे हैं सर्विस को एज अ फ्री कैंपेन, पर हम कमिंग सीजन से उसको शुरू करेंगे। अभी लैब वगैरह पे काम कर रहे हैं तो इतनी वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए। अगर आप लाइंड पॉन्ड में कल्चर कर रहे हैं तो ये वाला आपके पास पैरामीटर होना चाहिए, वाटर एनालिसिस। अगर आप अर्दन पॉन्ड में भी कर रहे हैं तो सॉयल के भी होने चाहिए, ठीक है। तो अगर इसमें देखें डिजॉल्व ऑक्सीजन आपकी रेंज दी हुई है, वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगा। फ्रेश वाटर का रेंज है, ये ब्रैकिश वाटर का रेंज है। तो आपके पास वो वैल्यूज, अगर डिजोल्व ऑक्सीजन है, बीओडी है, पीएच है, कार्बोनेट्स है, टोटल अल्कलिनिटी है, टोटल हार्डनेस है, कंडक्टिविटी है, सेलिनिटी है, अमोनिया है, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोराइड्स है, नाइट्रेट है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये 14 पैरामीटर आपको बताएंगे कि आपका वाटर किस स्पेशीज के लिए सुटेबल है। तो वो रिकमेंडेशन में आ जाएगा सुटेबल फॉर द फ्रेश वाटर कल्चर या सुटेबल फॉर द सलाइन या ब्रैकिश वाटर कल्चर। ओके, हम भी करेंगे इसको शुरू, पर अभी थोड़ा उसमें अप्रूवल, लाइसेंसिंग, उन सब चीजों में जा रहा है टाइम। एज अ फ्री हम उसको करेंगे यूजर के लिए, जितना भी हमारे एसोसिएटेड होंगे, कि प्रॉपर उनको दिया जाए कि वाटर के पैरामीटर ये हैं, सॉइल के पैरामीटर ये हैं, उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेड स्पेशीज कौन सी होंगी आपके मार्केट के अकॉर्डिंग। सेम आपके पास सॉइल के आए, आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ? हाँ हाँ मैं दे दूंगा आपको। आप एक बार इसको रीड आउट कीजिए, तो जितना मैंने आपको पैरामीटर पढ़ाई है, उन पैरामीटर को पढ़ाने से आपको वो अंडरस्टैंड हो जाएगा कि उस रिपोर्ट में क्या है। फिर भी आपके डाउट्स होते हैं तो कल के सेशन में हम इसको डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, खुद से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम मिनरल्स से शुरू करेंगे, क्योंकि कल 2-3 लोग और होंगे, उनका भी वो टॉपिक पे डाउट्स हैं उनको। तो आप अपने क्वेश्चन, अपने जो भी डाउट्स हैं आप पूछते रहिए। उसमें ये मत सोचिए कि वो लोगों ने ज्वाइन किया है तो वो लोगों के भी कंसर्न होंगे, तो उनको भी मैं सेपरेट टाइम दे दूँ। ठीक है ना? थैंक यू। ओके, अभी आपका श्रिम्प का कल्चर चल रहा है क्या? हाँ अभी चल रहा है। अच्छा अच्छा तो मैं अगर आऊंगा तो देखने को मिलेगा मुझे? अभी देखो हम आज उसका कर रहे हैं नेटिंग, तो हमने डाला था अभी 2 वीक पहले, तो इतना साइज उसका आया है ये देखो। ग्यारह पीएल का था ये, लगभग 1 ग्राम का साइज आया अभी उसका। अच्छा, पर जब मैं आऊंगा तब देख सकते हैं ना ये? हाँ तो देख लेंगे एक बार, कि तब तक आज सेकंड वीक है, आज हम उसका पार्शियल हार्वेस्टिंग करेंगे। फार्मर्स वगैरह से बात चल रही है, अगर वो आते हैं
तो हमें सीड उनको देना पड़ेगा, अगर नहीं आएंगे तो वी विल कंटिन्यू। अच्छा ठीक है, वो देख लेंगे उस टाइम पर कि क्या कंडीशन है। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा आपकी हैचरी भी है क्या?